हेलो एवरीवन, मेरे पास एक टिक टेक टो का गेम है जो मैंने जावा में बनाया है। इसका मैं पहले आप एक डेमो दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ इसको रन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी और इसको कैसे रन करना है। गेम हमारा रन हो चुका है, फर्स्ट विंडो खुल के आ चुकी है। यहाँ पे स्टार्ट गेम पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट विंडो पर चल जाएंगे। ये नेक्स्ट विंडो खुल के आ चुकी है, इसमें एक मल्टीप्लेयर गेम है, इसको दो प्लेयर खेल सकते हैं। हमारे दो प्लेयर होंगे जॉन और रोहन। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जॉन को एक्स असाइन हो गया, रोहन को जीरो असाइन हो गया। इस गेम में करना ये होता है कि आप जो असाइन करेक्टर है उसको रो, कॉलम या डायगनल रिप्रेजेंट करना है। इन दोनों प्लेयर में से जो पहले रिप्रेजेंट कर लिया वो जीत जाएगा और सबको एक बार में एक ही चांस मिलेगा और एक के बाद एक को चलना है अपने चांस को। जॉन ने यहाँ किया, रोहन यहाँ, जॉन यहाँ, रोहन यहाँ, जॉन यहाँ। जॉन ने एक कॉलम में अपने करेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे लिख के आ गया जॉन विंस द गेम और जॉन का स्कोर एक अपडेट हो चुका है। रिप्ले पे क्लिक करेंगे, ये दो प्लेयर दोबारा से खेल पाएंगे। रोहन जॉन ने यहाँ किया, रोहन यहाँ, जॉन यहाँ, रोहन यहाँ, जॉन यहाँ और रोहन यहाँ। इस बार रोहन विंस द गेम आ गया क्योंकि रोहन ने एक कॉलम में अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली इस गेम को अगर इन केस ऑफ टाई, अगर किसी ने किसी रो या किसी कॉलम या किसी डायगनल पे अपने कैरेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं किया तो लिख के आ जाएगा नो वन विंस द गेम। और अगर रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगी विंडो और दो नए प्लेयर खेल सकते हैं। बैक करने पे वापस हम होम विंडो पे जा सकते हैं। और ये सिंपल सा गेम था हमारा। अब इसको रन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इसको रन करने के लिए सबसे पहले चीज़ जो हमको चाहिए वो है अपाची नेटबीन्स आईडीई। कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है नेटबीन्स। सर्च करने के बाद जो यहाँ दूसरी लिंक आएगी डाउनलोड ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन अपाची नेटबीन्स 14, इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ विंडोज 64.exe, फिर यहाँ फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाउनलोड शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसको दोबारा हम नहीं कर रहे हैं। डाउनलोड होने के बाद हमारे पास कुछ एक ऐसी फाइल आएगी, इसको इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है और जो कंडीशन बोलेगा उसमें यस कर देना है। फिर हमारा इंस्टॉलेशन विंडो खुल जाएगा और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन विंडो कुछ इस टाइप से खुलेगा, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिनिश ऑप्शन आ जाएगा, फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब हमारा अपाची नेटबीन्स इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जो हमें इस गेम की जी फाइल मिलेगी इसको अनजिप कर लेना है, एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास एक फोल्डर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपनी अपाची नेटबीन्स को ओपन करना है। ओपन होने में टाइम लग सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम, इसलिए नेटबीन्स ओपन होने के बाद कुछ ऐसी विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है एंड ओपन प्रोजेक्ट, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है या उस लोकेशन पे जाना जहाँ हमने टिकट टू फाइल की एक्सट्रैक्शन की थी, सिलेक्ट करके ओपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ओपनिंग में कुछ टाइम लगेगा। फाइल के ओपन होने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ रन पे क्लिक कर देना है जिससे हमारा गेम रन हो जाएगा। रन होने के बाद हमारी गेम विंडो खुल जाएगी सिमिलर सी। फिर स्टार्ट गेम पे करेंगे, गेम स्टार्ट हो जाएगा। फिर वही दो प्लेयर के नाम, कंटिन्यू करने पे इन दोनों को एक एक करेक्टर असाइन हो जाएंगे। और जिसने भी पहले रो में प्रेजेंट कर दिया वो जीत जाएगा। फिर बैक, और ये तो ये रहा हमारा सिंपल सा टिक टैक टो गेम। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स चाहिए यानी कि और जानने हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में तो विजिट करें www.nargisgupta.com और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एनजी ट्यूटोरियल्स। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रोजेक्ट प्लीज विजिट आवर वेबसाइट nargishgupta.com।